कोटा में अनोखा विरोध देखने को मिला। शिक्षा नगरी कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटा के सुभाष नगर स्थित पार्क में राहुल गांधी के विवाह और अच्छी बारिश की कामना के साथ साथ मेंढक का विवाह भी संपन्न करवाया। कार्यकर्ताओं का कहना कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में भगवान शिव के अपमान और सभी हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान से पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही संविधान में किसी भी धर्म के प्रति अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना कानूनी अपराध भी है, इसलिए संविधान का जयकारा लगाकर संसद के सदस्य की शपथ लेने वाले राहुल गांधी को भगवान शिव और हिंदू धर्म के अपमान वाले संविधान विरोधी बयान पर पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की अनर्गल बयानबाजी का मुख्य कारण अब तक भी उनका विवाह नहीं होने की टेंशन है, इसलिए मेंढक का विवाह करवा कर अच्छी बारिश की कामना के साथ साथ राहुल गांधी के विवाह की भी कामना की गई, ताकि राहुल गांधी विवाहित होकर पहले अपना घर संभाल कर सामाजिक परिपक्व हो, उसके बाद संसद में कोई बयान दे। हमारे आराध्य शिव और हिंदुओं के प्रति आपत्तिजनक बयान दिया है, इससे पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि राहुल गांधी वृद्धावस्था तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका विवाह नहीं हो पाया और विवाह नहीं होने की स्थिति में उनके अंदर सामाजिक परिपक्वता नहीं आ पाई। इसीलिए आज हमने, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनुष्ठान का एक परंपरा है कि अनुष्ठान करके मनोकामना मांगी जाती है, इसीलिए आज मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया है और साथ ही मनोकामना मांगी गई है कि प्रदेश में अच्छी बारिश के साथ साथ राहुल गांधी के लिए वधू मिल जाए, राहुल गांधी का विवाह हो जाए। राहुल गांधी जब वैवाहिक स्थिति में जाएंगे, सामाजिक जीवन जिएंगे, तो उनमें परिपक्वता शायद आ जाए और वो संसद में आकर इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर जो भी हिंदू भाई बैठे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए और अपने नेता राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो राहुल गांधी पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे।